हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कोड बाय अमन। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ट्रेनी जूनियर डेटा एनालिस्ट जॉब के बारे में। ओके गाइस, जिसकी हायरिंग कर रहा है कॉग्निजेंट कंपनी, आप देख सकते हैं। सो बिफोर टॉकिंग अबाउट दिस जॉब, फर्स्टली मूव टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज, यू कैन सी हेयर, मैं यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लाता रहता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लेटेस्ट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी फॉर यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स, देन आईटी जॉब फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट लाइक दिस। ओके, देन यहाँ पे मैं कॉलेज का भी रिव्यू करता रहता हूँ। देन आई ऑल्सो प्रोवाइड फ्रेशर जॉब। ओके, यू कैन सी हेयर आईटी जॉब अपडेट्स फॉर फ्रेशर्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ओके, बीई, बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमएससी। देन यहाँ पे मैं कोडिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स भी लाता रहता हूँ एंड इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन भी लाता रहता हूँ, आप शॉर्ट सेक्शन में देख सकते हैं। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं आज के जॉब के बारे में। सो यहाँ पे इन्होंने जॉब समरी दी हुई है। यू कैन सी हेयर वी आर सीकिंग अ प्रोसेस एग्जीक्यूटिव सी डी एम पी वी विद 0 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस टू ज्वाइन आवर डायनेमिक टीम। ओके, सो इफ यू हैव 0 to 3 years एक्सपीरियंस देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। ओके, मतलब कि यहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं एंड यदि आपको 1, 2, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यू आर एलिजिबल ऑल्सो। ओके, देन यहाँ पे इन्होंने की जॉब डिटेल्स दी हुई है, जॉब नंबर आप देख सकते हैं। देन ट्रेवल रिक्वायर्ड नो, ये वर्क फ्रॉम होम जॉब है आपके लिए। ओके, जॉब कैटेगरी आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। ओके, लोकेशन आपका मुंबई इंडिया। देन आप देख सकते हैं जो जॉब पब्लिश की गई है 8 अक्टूबर 2024 को पब्लिश की गई है। देन एम्प्लॉयमेंट टाइप इसमें है हमारा फुल टाइम, वर्क मॉडल आपका वर्क फ्रॉम होम है। ओके, देन इसका जो ऑफिस है वो आपका होगा यहाँ पे मुंबई में इंडिया। ओके, देन यहाँ पे इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई है, मैं क्या करूंगा। इस जॉब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको जाकर के अप्लाई कर देना आज ही, जल्द से जल्द, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मिस नहीं करना है। ओके, देन टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो फर्स्टली यू कैन सी हियर सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी इन वेरियस प्रोजेक्ट। ओके, मतलब आपको जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए एंड आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए ये सब चीज़ों को। ओके, वेरियस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट पे। ओके, देन सेकेंड इन्होंने बोला असिस्ट इन द डेवलपमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एआई मॉडल्स टू इम्प्रूव प्रोसेस एफिशिएंसी। ओके, मतलब कि आपको एआई मॉडल्स का भी यूज करना आना चाहिए किसी प्रोजेक्ट के या किसी टास्क के एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, देन यहाँ पे इन्होंने बताया कोलैबोरेट विद क्रॉस फंक्शनल टीम्स टू इंटीग्रेट एआई सॉल्यूशन इनटू एग्जिस्टिंग वर्कफ्लोज। ओके, तो सब आपको रीड कर लेना अच्छे से। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखा है प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट एंड ट्रबल शूटिंग फॉर एआई रिलेटेड इशूज। ओके, तो मतलब यहाँ पे आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड कराना है, टेक्निकल सपोर्ट, देन आपको ट्रबल शूटिंग भी आनी चाहिए, मतलब कि प्रॉब्लम आई है तो उस प्रॉब्लम से कैसे डील करना है यू शुड नो ऑल्सो। ओके, देन कंडक्ट डेटा एनालिसिस एंड जनरेट रिपोर्ट्स टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसेस। ओके, दैट मीन्स आपको डेटा को एनालाइज करना आना चाहिए। ओके, एनालाइज करने के बाद उसमें से यूजफुल डेटा को आपको निकालना आना चाहिए। देन यू शुड नो ऑल्सो हाउ टू क्रिएट रिपोर्ट यूजिंग दिस डेटा। ओके, सो बहुत सारी चीजें बताई गई है, आपको सभी को रीड कर लेना है। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन बता रखा है, पजेस अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजीज एंड देयर एप्लीकेशन। ओके, मतलब वही वाली बात है, आपको एआई टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए एंड उसके एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब काम कैसे करता है, हाउ टू वर्क जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी। ओके, देन यहाँ पे इन्होंने बता रखा है डेमोस्ट्रेट एक्सपीरियंस इन डेटा एनालिसिस एंड मॉडल ऑप्टिमाइजेशन। ये भी सेम ही बात है, मतलब आपको डेटा एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए एंड किसी डेटा को हम ऑप्टिमाइज कैसे करें, उसे यूज कैसे करें, मतलब यही सब बातें इन्होंने बताई हुई, आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। देन बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई है, सबको आपको रीड कर लेना अच्छे से। देन इस जॉब के लिए अप्लाई कर देना है। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने बता रखा है सर्टिफाइड एआई प्रैक्टिशनर डेटा साइंस सर्टिफिकेशन और इक्विवेलेंट। ओके, तो आप पे कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए डेटा एनालिसिस का, चाहे डेटा साइंस का, चाहे किसी भी तरीके का इस फील्ड से रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा हुआ है। अगर आप पे नहीं है तो गूगल पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज चल रहे होते हैं, आपको वहाँ जाकर के उन कोर्स कंप्लीट करके आपको सर्टिफिकेट ले लेना है। ओके, देन आपको अप्लाई कर देना है, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपको खुद से सर्च करके देखना पड़ेगा। ओके, एंड यदि आप चाहते हैं कि मैं बताऊँ आपको तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं जरूर से आपके लिए उस पर वीडियो क्रिएट कर दूंगा। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखा है अपनी कम्युनिटी के बारे में, कॉग्निजेंट इज अ ग्लोबल कम्युनिटी विद मोर देन 3 लाख एसोसिएट्स अराउंड द वर्ल्ड। ओके, मतलब कॉग्निजेंट जो बहुत ही बड़ी कंपनी है और 3 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज ओवरऑल वर्ल्ड में काम करते हैं इस कंपनी के। ओके, देन बहुत सारी चीज उन्होंने बता रखी है अपनी कंपनी के बारे में, सब आपको रीड कर लेना है। देन आपको क्या करना है, आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे, देन आपको आई कन्फर्म पे क्लिक कर देना। जैसे आप आई कन्फर्म पे क्लिक करेंगे पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। सो यदि आपने पहले से कोई अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आपको सिंपल लॉग इन कर लेना है। एंड यदि आप न्यू यूजर हैं तो आपको क्या करना है, आपको न्यू यूजर पे क्लिक कर देना है, देन रजिस्टर कर लेना है, देन लॉगिन करना है, देन अप्लाई करना है। ओके, सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, जाकर के अप्लाई कर दें। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, इससे कोई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से आप तक पहुंचती रहेगी। सो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।